हाँ जी भैया, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? सुनिए ना, यदि आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो छोटू भोजपुरी ऑफिशियल को फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो छोटू भोजपुरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि ताकि हमारा मनोबल और भी अच्छा हो। देखिए, 2 4 5 दिन पहले हम लोग के बीच में एक होली सॉन्ग आता है, होली आई रे, जो कि पवन सिंह जी का है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये पवन सिंह का नया गाना आ गया। तो भाई जी, पहले आप लोग को हम एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि पवन भैया का जब भी गाना आता है ना, मतलब केवल एल्बम हो रहता है, तो उसका पहले पोस्टर, फिर ट्रीजर, इसके बाद सॉन्ग आता है। और यदि फिल्मी गाना हो तो ट्रीजर और पोस्टर नहीं रिलीज करते हैं, डायरेक्टली गाना ही छोड़ देते हैं। तो जो मूवी सॉरी जो वो गाना आया है, वो गाना तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पवन भैया का स्वाभिमान मूवी का शूटिंग हो रहा है। तो वो होली का गाना स्वाभिमान का ही है, उसमें हमारा हो गऊंगा के तू ही स्वाभिमान हो लाइन बोला भी गया है। लेकिन एक बात है, वो गाना मतलब यदि पोस्टर रिली और ट्रीजर के रिलीज करने के बाद गाना आता ना, एकदम ब्लास्ट होता, क्योंकि उस गाना को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। शुरू में ही आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन में, दो मोर है और इतना सारे लोग हैं, और मतलब ये पारिवारिक होली सॉन्ग वो है, और एकदम सुकून मिला है। हम जब से गाना आया है ना, तब से हमें लगता है कि हम 15 20 बे सुन चुके हैं, और बहुत सारे लोग के पास शेयर भी किए हैं। तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं, कितना लोग तो ये भी बोल रहे हैं उसका क्लिप लगा के कि अशोक के डलालका का ट्रीजर आ गया। भाई जी, नहीं आया है ट्रीजर। ट्रीजर आता तो पवन सिंह ऑफिशियल से आ जाता। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद कहने के पहले एक और भी बात ले आप लोग से बता देते हैं, ये बिल्कुल नहीं है होली सॉन्ग, ये मूवी का होली सॉन्ग है, जो कि डिम्पल सिंह है, पवन भैया है, और हाँ पवन भैया का थोड़ा सा आवाज है उस गाना में, बस ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अभी अशोक के डलाल का सॉन्ग आने वाला है, बट थोड़ा सा पवन भैया का तबीयत खराब हो गया है। तो अच्छा हो जाता है तो फिर सॉन्ग हम लोग के बीच में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।